घर बैठे ही 96 वर्ष की उम्र में भगवती देवी ने अपना मतदान किया। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन कोलकाता। 20 मई को हावड़ा और हुगली में मतदान होने हैं, उससे पहले ही बैलेट बॉक्स के जरिए मतदान की प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग के जरिए ये कर्मसूची निकली थी कि जो लोग की उम्र हो चुकी है या जो लोग बीमार रहते हैं वो घर बैठ के ही आवेदन कर अपना बैलेट बॉक्स वोट दे सकते हैं। इसी कड़ी में वर्ष 96 की भगवती शर्मा ने घर पर ही मतदान किया। मध्य हावड़ा के निवासी ने डाक मतपत्र से मतदान किया। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार लोकसभा से मतदान करने के लिए चुनाव आयोग में एक आवेदन दिया था। भगवती देवी के अनुरोध के बाद हावड़ा चुनाव आयोग ने गोपाल चंद्र मुखर्जी लेन स्थित घर जाकर मतदान कराया। केंद्रीय सेना के साथ घर पर सुरक्षा घेरा बनाकर मतदान संपन्न किया गया। इस मौके पर मतदान देने के बाद उनके अंदर एक खुशी की लहर देखने को मिली। चूंकि इतनी आसानी से घर पर ही चुनाव आयोग के जरिए मतदान किया गया, जिसको लेकर इलाकाई वासियों में भी काफ़ी खुशी देखने को मिली है। हम आपको बता दें, आइंदा 20 मई को हावड़ा और हुगली के विभिन्न जगहों पे जो है मतदान होना है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट न्यूज़ लाइन कोलकाता के माध्यम से। घर बैठे ही 96 वर्ष की उम्र में भगवती देवी ने अपना मतदान किया। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन कोलकाता। 20 मई को हावड़ा और हुगली में मतदान होने हैं, उससे पहले ही बैलेट बॉक्स के जरिए मतदान की प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग के जरिए ये कर्मसूची निकली थी कि जो लोग की उम्र हो चुकी है या जो लोग बीमार रहते हैं वो घर बैठ के ही आवेदन कर अपना बैलेट बॉक्स वोट दे सकते हैं। इसी कड़ी में वर्ष 96 की भगवती शर्मा ने घर पर ही मतदान किया। मध्य हावड़ा के निवासी ने डाक मतपत्र से मतदान किया। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार लोकसभा से मतदान करने के लिए चुनाव आयोग में एक आवेदन दिया था। भगवती देवी के अनुरोध के बाद हावड़ा चुनाव आयोग ने गोपाल चंद्र मुखर्जी लेन स्थित घर जाकर मतदान कराया। केंद्रीय सेना के साथ घर पर सुरक्षा घेरा बनाकर मतदान संपन्न किया गया। इस मौके पर मतदान देने के बाद उनके अंदर एक खुशी की लहर देखने को मिली। चूंकि इतनी आसानी से घर पर ही चुनाव आयोग के जरिए मतदान किया गया, जिसको लेकर इलाकाई वासियों में भी काफ़ी खुशी देखने को मिली है। हम आपको बता दें, आइंदा 20 मई को हावड़ा और हुगली के विभिन्न जगहों पे जो है मतदान होना है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट न्यूज़ लाइन कोलकाता के माध्यम से।